फिर कई लोग सोच रहे हैं कि इस बार कितने दिनों का सावन होगा और कितने सोमवारी लगेंगे, तो हम सारी बातों को आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। अभी हमारे साथ बैठे हुए पूर्णिया के ज्योतिषाचार्य वो पंडित मनोत्पल झा हैं, हम उनसे सारी बात जानते हैं। कहा जाता है कि श्रावण मास को सर्वश्रेष्ठ महीना कहा जाता है, जो कि भगवान भोलेनाथ के लिए विशेष रूप से पूजा की जाती है। हम सारी बात पर जानते हैं पंडित जी। पंडित मनोत्पल झा का हर हर महादेव। अच्छा पंडित जी, इस बार श्रावण मास की शुरुआत कब से हो रही है और कितने सोमवारी लगे हैं? सबसे पहले है क्या, इस बार दो सावन है। अच्छा, क्योंकि 4 जुलाई से सावन प्रारंभ हो रहा है और 17 जुलाई तक सावन का प्रथम जो है वो रहेगा, जिसको शुद्ध सोमवार हम लोग भी शुद्ध सावन हम लोग कहते हैं। इसके बाद 18 जुलाई से मले मास स्टार्ट होता है, जिसे हम लोग खन मास भी कहते हैं। यह एक माह तक रहेगा। इसके बाद पुनः 15 दिन का जो सोमवारी होगा वह शुद्ध सोमवारी कहलाता है। इस तरह कुल मिलाकर के 2 महीने का इस बार सोमवारी है और इसमें कुल 8 सोमवार आपको मिलेगा। अच्छा, हाँ, सावन का 8 सोमवार आपको मिलेगा, जिसमें पहला सोमवारी जो है वह 10 जुलाई को है, दूसरा 17 जुलाई, तीसरा 24 जुलाई, 31 जुलाई, 7 अगस्त, 14 अगस्त, 21 अगस्त और 28 अगस्त को है। लोग इस सावन में 16 सोमवारी भी करते हैं, तो यहाँ प्रश्न है कि पंडित जी इसमें तो 8 सोमवारी ही है, तो और 8 सोमवारी कहाँ गया? तो सावन का जो प्रथम सोमवार है, आप इसमें अपना 16 सोमवारी स्टार्ट कर सकते हैं। उसे तो अखाड़ महीने में भी लोग स्टार्ट करते हैं, एक महीना पहले भी लोग स्टार्ट करते हैं सोमवारी, कि सावन का सोमवारी बीतते बीतते हमारा 16 सोमवारी हो जाएगा। मगर जो सोमवारी स्टार्ट नहीं किए हैं तो वो इस सोमवार को अपना स्टार्ट कीजिए, और जो 8 हमारा सोमवारी आता है सावन में, ये करने के बाद नेक्स्ट 8 जो है आप कर सकते हैं, इस तरह आपका 16 सोमवारी पूर्ण हो जाएगा। अच्छा पंडित जी, इस बार जो 2 महीने का श्रावण मास पड़ा है इसमें 8 सोमवारी हैं, इसके बीच में व्रतियां कैसे व्रत करें जो उन्हें भगवान विशेष लाभ देंगे? सबसे पहले व्रत का जो प्रावधान है वो सोमवार हो या शुक्रवार हो कि बृहस्पतिवार हो, जैसा आप व्रत करते हैं उसी अनुसार इसका भी व्रत होगा। हाँ, ये बाबा भोलेनाथ का नाम का व्रत है, तो बाबा भोलेनाथ के लिए आपको उनके दरबार जाना होगा, उनके जल फूल बिलपात दूध तुलसी साथ में गंगा जल दूध क्या कहते हैं धान का जो होता है लावा, यह लेकर के अगर आप जाते हैं तो आपका पूजा पाठ बहुत अच्छे ढंग से हो जाएगा। और संध्या काल में आप पारणा के बदले नमक न खाएं, और जो फल फलार खीर मिष्ठान जो आप खा सकते हैं इनका सेवन करें। पूर्णिया से बिखर